तो दोस्तों ये है अपनी R15M की मॉनिस्टर एडिशन, जो कि यामाहा ने इसे फिर से मॉनिस्टर एनर्जी मोटो जीपी एडिशन में इसे लॉन्च कर दिया है। दो बाइक को लॉन्च किया है यामाहा ने, R15M को और M1015 को, दोनों को जो है कि मॉनिस्टर एनर्जी एडिशन में लॉन्च कर दिया है। तो इसमें चेंजिंग जो क्या आपको देखने को मिलेंगे, एक शोरूम प्राइस इसका क्या रहने वाला है, और थोड़ी बहुत डिटेल रिव्यू कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉनिस्टर एडिशन में जो चेंजिंग और R15M में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसमें आपको ग्राफिक्स और स्टेयरिंग का चेंजिंग देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। साइड पैनल और फ्रंट वाइजर और सीट कॉल के बगल में आप ये आपको मॉनिस्टर एनर्जी वाला जो एडिशन आता था, ये आपको ग्राफिक्स स्टीयरिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सेम वही रहेगा, सारा चीज़ वही रहेगा, कोई चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो दूसरा चेंजेज इसमें आपको एक और है, एलॉय व्हील के कलर में चेंजेज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सिल्वर वाले में ब्लू मिलते थे, इसमें आपको ब्लैक मिलेंगे। वहीं फ्रंट में आपको ये साइड में आपको ब्लू कलर का स्टीयरिंग मिल जाएगा। तो ये थोड़े बहुत चेंजेज है, बाकी कुछ आपको चेंजेस इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो मॉनिस्टर एडिशन को जो पसंद करते हैं, मॉनिस्टर एडिशन के जो लवर हैं, जो काफ़ी टाइम से इस बाइक को वेटिंग कर रहे हैं, तो यामाहा ने इसे लॉन्च कर दिया गया। दशहरा दीपावली पर इसे आप बुकिंग भी करा सकते हो। सभी शोरूम पर अभी उपलब्ध नहीं है, ये कुछ कुछ शोरूम पर ही अभी गाड़ियाँ आई है, बाकी ये आप बुकिंग कराकर ये आप ले जा सकते हो जिनको पसंद है। इसमें आपको R15M वाला ही इसमें आपको TFT मीटर कंसोल कलर वाला इसमें आपको दे दिया गया है, जिसमें आपको बाय कनेक्टेड स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच ट्रैक्शन कंट्रोल की शिफ्टर, ये सब सारे ये आपको R15 वाले EM जो आते थे R15M में, सारे सेम चीज़ इसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की हम बात कर लें तो इसमें आपको LED जो है LED प्रोजेक्टर लाइट है, सेम इसमें अभी आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेक टेल लाइट भी में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही वाला इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन की बात कर लें तो इसमें आपको 155 cc का लिक्विड कूल 4-स्टॉक OHC 4-वाल्व BS6 Phase 2 वाला इंजन इसमें आपको मिल जाता है, जो कि 18.4 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 14.2 Nm का ये जो है मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो है कर्व वेट की हम बात कर लें तो 141 kg इसका जो है कर्व वेट हो गया। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। माइलेज जो ये बाइक आपको 40 से 45 km पर लीटर जो है माइलेज निकाल कर आपको दे देगी बाइक मॉनिस्टर एडिशन वाली। और टॉप स्पीड जो इसमें आपको रहने वाला है 145 km से लेकर 150 km पर आवर इसका टॉप स्पीड रहने वाला है। बाकी जो सस्पेंशन की बात कर लें तो इसमें आपको USD फ्रॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में पीछे में आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, डुअल डिस्क आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे आपको जो है रेडियल टायर ट्यूबलेस जो कि MRF कंपनी के इसमें आपको दे दिया जाता है। वहीं ये सब सारे चीज़ मैंने कवर कर दिया। बाकी ये जो सीट की बात कर लें तो सीट तो उस इसमें आपको स्प्लिट ही देखने को मिल जाएंगे, वही R15M वाला ही इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है, सिर्फ इसमें ग्राफिक्स और स्टीयरिंग का चेंजेज है, सारे चीज़ वही M वाले ही मिलते हैं। इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर जो है उसमें आपको LED वाला मिलता था, इसमें भी आपको LED वाला ही मिलता है। बाकी हम इसकी जो है प्राइजिंग की बात कर लें, R15M मॉनिस्टर एडिशन की प्राइजिंग की बात कर लें तो ये आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है 1,97,200 इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइजिंग की बात कर लें तो 2,41,000 जो है इसका ऑन रोड प्राइजिंग रहने वाला है। ये आपको मुजफ्फरनगर में यामाहा के शोरूम पर उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 7456900154, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप बुकिंग करा सकते हो। बाकी ये अभी सभी शोरूम पर नहीं आया है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ सभी शोरूम पर आएगा तो आप कहीं भी अभी गाड़ी ले सकते हो, बाकी अभी बुकिंग करा सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।